मात्र 999 के मासिक किस्त पर ले जाएं टीवी, फ्रिज और एसी, वो भी बिना किसी ब्याज के। संपर्क करें जिम्मी सेल्स, पुरानी किला मोड़, सिवान। सिवान में चुनावी रंजिश में जमकर मारपीट हुई है, जिसमें 3 लोग घायल हो गए हैं। घटना सिवान शहर के महादेवा ओपी थाना क्षेत्र के झुनापुर मियाँ टोला की है, जहां चुनावी रंजिश में जमकर मारपीट हुई है। घटना के बारे में बताया जाता है कि पचरुखी वार्ड संख्या 2 बीडीसी के चुनाव में शहनाज खातून ने जीत दर्ज की थी। वहीं इस जीत की खुशी में शहनाज खातून के समर्थक हारे हुए प्रत्याशी नूरुल हक के घर पटाखा फोड़कर जश्न मनाने लगे। नूरुल हक ने बताया कि जब इसका विरोध करते हुए कहा गया कि जीते हुए प्रत्याशी के घर जाकर पटाखा फोड़िए, इसके बाद वे सभी लोग विवाद करने लगे और लाठी डंडे से हमला कर दिया, जिसमें नूरुल हक, अफजल अंसारी, किताबन बीबी घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए सिवान सदर अस्पताल में भर्ती किया गया है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही सिवान SDPO जितेंद्र पांडे दल बल के साथ सिवान सदर अस्पताल पहुंचे। लगाया ये सजा लगा करके मारा है। क्यों मारा है? वो चुनावी रंजिश की वजह से हम लोग सपोर्ट किए थे इसको, इसके लिए। किसको सपोर्ट किए? हेमंत सिंह को, सुभाष को, सुभाष मुखिया को। तो जैसे ही लोग चुनाव जीता, उसके बाद आप लोग आके पीटा है? वो लोग पार्क में जीता, दरवाजे पे आकर के वो लोग पटाखा फोड़ रहा है। जादूगर खड़े लोग आप लोग यही बोलेंगे भाई, जीते हुए प्रत्याशी के दरवाजे पे आप जाओ, वहाँ से हारे हुए प्रत्याशी के पास क्यों आ रहे हो? हाँ, ये BDC में लड़े हुए थे भाई हमारे। हाँ, किसका? BDC वाले। तो ये चुनाव हार गए थे तो आपके दरवाजे के पास पटाखा फोड़ रहा था? हाँ, यही आकर के हमको सपोर्ट दिए थे। आपको बोला गया कि भाई आप जाइए जीते हुए प्रत्याशी के दरवाजे पे, आप वहाँ पटाखा छोड़िए। कौन लोग थे? कौन लोग थे? जिला परिषद में लड़े हुए थे सदाब, उनकी मांगुर जहाँ उनका लड़का था वो सदाब, और ये एक लड़का वो अग्नि का उद्दीन थे जो बाद में जीते रहे थे, उनका 2 लड़का है। कौन उनके घर से कौन चुनाव जीता था? उनके सलाउद्दीन की भाई। क्या चीज में जीते थे? वार्ड से। वार्ड से? हाँ, ठीक है, अपना नाम बताइए। मेरा नाम कमर वार्ड। कितना लोग घायल है इसमें? चिकित्सा के क्षेत्र में करियर बनाना हुआ आसान, बने इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक अधिकृत। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार, निम्स इलेक्ट्रो होम्योपैथी कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल, साथ ही कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के इलाज कराने के लिए अब आपको बड़े शहरों में जाकर भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके अपने शहर सिवान में कैंसर का सफल इलाज होता है। जी हाँ, डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज के यहाँ हर्बल से निर्मित इलेक्ट्रो होम्योपैथी द्वारा कैंसर जैसी बड़ी और खतरनाक बीमारियों का सफल इलाज किया जाता है। सभी प्रकार के कैंसर की बीमारियों में सफलतापूर्वक इलाज के लिए आज ही संपर्क करें डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज, सिसवन ढाला, लक्ष्मीपुर, सिवान। संपर्क नंबर है 9472250677।